हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टाइम हो चुका है 8:28 और तारीख आज 20 और दिन है आज सैटरडे का। आज हम चलाने वाले हैं ओला उबर के अंदर रात तक गाड़ी, ठीक है, और देखते हैं कितने रुपए की सीएनजी फूकती है, कितने रुपए कटपिट के हमें बचते हैं, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी कस्टमर का कितना बिल देती है और हमें काटपिट के कितने रुपए देती है हर राइड में। तो अभी मैंने ओला उबर दोनों में ऑन ड्यूटी कर रखी थी, तो ओला में एक राइड आ चुकी है त्रिलोकपुरी की, और एक मिनट मतलब लोकेशन के पास ही खड़ा हूँ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ चुमर के सोसाइटी के बाहर ही। तो चलते हैं इसे लेके और फिर देखते हैं कितने रुपए का बिल आता है। तो ये वाली बुकिंग कर दिया मैंने एंड और कस्टमर कर दिया ड्रॉप, और नेक्स्ट बुकिंग आई है अभी सिविल लाइन की। लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ कस्टमर के, एक मिनट दूरी दिखा रहा था। कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप सिविल लाइन में, और कस्टमर का बिल बना था 360 रुपये, उसमें से हमें मिले हैं 265 रुपये, और उससे पहले वाली राइड जो थी तो उसमें कस्टमर का बिल बना था 296, जो कि ऑनलाइन था, ओला मनी था, और ओला ने हमें दिए 146, ठीक है, प्लस MCT टोल दे दिया 100 रुपये का। तो अब चलता हूँ मैं कश्मीरी गेट की तरफ को, बस अड्डे की तरफ को, उधर देखते हैं मिलती है कोई बुकिंग, नहीं मिलती तो फिर इधर को चलते हैं अपना लक्ष्मी नगर की तरफ, क्योंकि ये एरिया तो ऐसा है ना, तो मिलने वाली है नहीं सुबह सुबह के टाइम, और वैसे भी आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे ज़्यादातर लोग बागों की छुट्टी होती है, ऑफिस बंद होते हैं, तो देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग और कहाँ पर जाके मिलती है। तो अभी मेरे पास कश्मीरी गेट बस स्टैंड से ड्यूटी आई है टर्मिनल 2 की, और कस्टमर का फ़ोन आया कि भाई मैं अंदर हूँ, मैं कहा भैया बाहर आना पड़ेगा पहले अंदर तो गाड़ी जाती नहीं, बस जाती है, तो मैं कहा बाहर आके कॉल करो फिर बताओ किस तरफ खड़े हो आप। तो मैंने यहीं पे यूटर्न पे रोक लिया गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे तो रोकना पॉसिबल नहीं है गाड़ी को इतनी देर, कॉल कर देना। तो देखते हैं हम कस्टमर कहाँ पे एग्ज़िट होता है, क्योंकि यहाँ से जो ना थोड़ा पिकअप करना डिफ़िकल्ट होता, कस्टमर सही लोकेशन बता नहीं पाता अपना कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे खड़ा हूँ, तो अगर थोड़े से भी आगे बढ़े आप तो फिर पूरा चक्कर घूम के आना पड़ेगा। कस्टमर को कर दिया टर्मिनल 2 पे ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था 568 रुपये और हमें मिले हैं 420 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर ड्यूटी मिलती है टर्मिनल 2 पे तो ठीक है, वरना टर्मिनल 3 की तरफ चलते हैं पार्किंग की तरफ, क्योंकि उधर कुछ नाश्ता पानी भी कर लेंगे भाई, 10:11 हो चुकी हैं और कुछ खाया पिया भी नहीं है, सुबह से पानी तक नहीं पिया, तो देखते हैं। चलो अगर यहाँ से मिलते तो यहाँ से ले लेंगे पिकअप, और नहीं मिलती तो फिर टर्मिनल 3 से लेते हैं। तो टर्मिनल 2 से भी मैं बाहर ही निकल रहा था, चेक पोस्ट पार ही करी थी, तो बुकिंग आ गया मालवीय नगर की टर्मिनल 2 से ही। अब मैं टर्मिनल 2 पे एयरपोर्ट मतलब पिकअप करने जा रहा हूँ, वो कस्टमर की कॉल भी आई थी, तो वो बोल रहे हैं भाई हम खड़े हैं पिकअप पॉइंट पे, ओला पिकअप जोन में, ठीक है आता हूँ 2-3 मिनट में। व्हाट, मैंने बोला था 5 मिनट में आता हूँ, आई एम कमिंग इन 5 मिनट, तो उधर से पता क्या रिएक्शन हुआ था, व्हाट 5 मिनट, यस यू कैन वेट 3-4 मिनट्स, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में कौन था पता जाएगी, मतलब 5 मिनट बोला था एकदम शॉक हो गया कस्टमर क्या बोल रहा भाई 5 मिनट, मैंने 5 दिन तो नहीं बोल दिए कहीं, मैं भी सोच रहा था मैंने इंग्लिश में कहीं 5 दिन तो ना बोल दिए, पूछने वालों में पार्किंग में देखो आप। तो कस्टमर को कर दिया मैंने मालवीय नगर में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल बना था 404 रुपये, और मेरे पास तुरंत अभी एक बुकिंग आई है शालीमार बाग की, ये खिड़की एक्सटेंशन से आई है, खिड़की एक्सटेंशन में ड्रॉप करा था मैंने, तो यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं इनमें से आई है भाई, देखते हैं पिकअप हो पाता या नहीं।
टाइम हो चुका है 11:57 और अभी अभी मैंने शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल में कस्टमर को ड्रॉप कराया और कस्टमर का बिल आया था 361 रुपये और कस्टमर मतलब ओला ने जो हमें दिए काट पीट के वो दिए भाई 312 रुपये। इस राइड का डिस्टेंस मैं आपको बताऊं कितना था, 28 किलोमीटर की राइड थी और 1 घंटा 2 मिनट इसमें लगी, 312 रुपये मिले। तो मेरे पास बुकिंग आ चुकी है शालीमार बाग से ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो मैंने गोहम लगा दिया था ग्रेटर नोएडा का, मैं कहा जितना गोहम बजेगा इतना मैं कुछ खा पी लूँगा, कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ खाने पीने को तो मिला नहीं। अभी तक 12:10 हो चुकी हैं, मगर चलो उधर ही खाएंगे जाके, इधर मिल भी नहीं रहा था कोई अच्छा सा खाने पीने के लिए। तो कस्टमर को कर दिया भाई मैंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ड्रॉप और ड्यूटी कर दी मैंने फ़िलहाल ऑफ, क्योंकि मुझे खाना है पहले खाना, उसके बाद मैं करूँगा ड्यूटी ऑन। ठीक है, इसमें कस्टमर का बिल बना था भाई 538 रुपये। गाड़ी चली है 33 किलोमीटर, 1 घंटा 21 मिनट का टाइम लगा है इसमें और हमें जो मिले वो मिले 404 रुपये 33 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट के। तो भैया पेट पूजा हो चुकी है और अभी अभी एक बुकिंग आई है मेरे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की बुकिंग आई है जाकिर नगर से ओखला। भाई लोकेशन तो है थोड़ी अंदर गलियों में की, अब जाके पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं है। कस्टमर की कॉल भी आ गई कि आप जल्दी आ जाओ, ठीक है जी आते हैं जल्दी। तो भाई साहब जाम की हालत तो आप देख ले हो, इस टाइम बाढ़ दिया इसने गूगल मैप में, गूगल मैप ने हमें बाढ़ दिया, 1 मिनट की दूरी दिखा रहा है यार और यहाँ 10 मिनट होगी खड़े खड़े इस गली में चलते चलते, और टोटली मिनट दिखा रहा था 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाओगे। भाई ऐसे फंसाता है, अभी बाटला हाउस आ गया, बाटला हाउस लोकेशन में कुछ और दिखा रहा था, लिखा हुआ कि जाकिर नगर, मैं कहा चलो ठीक है बाटला हाउस है नहीं, हमें पता बाटला हाउस कैसा है, अभी बाटला हाउस ही निकला भाई बाटला हाउस की गलियों में बाढ़ दिया इसने। अब यहाँ से आदमी बैग तो कर ही नहीं सकता, यू टर्न तो ले ही नहीं सकता, इतनी चौड़ी गलियाँ हैं बस यहाँ पे। और बात रहे पिकअप करने की किसी को, तो वो तो भाई बहुत हेडक वाला काम है, यहाँ रोक ही नहीं सकते तुम ज़्यादा देर, वैसे तो जाम में खड़े रहेंगे लेकिन आपने कैसी रोका कस्टमर को तारने चढ़ाने के लिए, तुम्हारे टैंट है टैंट है टैंट है कर देंगे ये पीछे से आगे पीछे से। तो फाइनली भाई कस्टमर को कर दिया एयरपोर्ट Terminal 3 पे ड्रॉप और बुकिंग आई है होजरानी खिड़की एक्सटेंशन की जहाँ से मैं गया था। ठीक है, तो कस्टमर को भी अभी ड्रॉप कराया Terminal 3 पे, 472 रुपीस का बिल आया है और कस्टमर दे के गए भाई 600 रुपये ऊपर के टिप, 128 रुपये के करीब टिप दे के गए कि ले भाई तू रख, बहुत बड़े आदमी है तू, अगर आप थैंक यू सर। भाई टिप तो देनी बनती है इतने जाम वाले एरिया में, तुमने घुसेड़ा है ले जाके वहाँ पे। अब ये दिखा रहा भाई 15 मिनट पिकअप करने के लिए टर्मिनल पे जाने के लिए, आई एम एट द पिकअप पॉइंट कस्टमर के। भाई कितना ट्रैफिक है आज यहाँ पे, क्यों वहाँ तक नीचे तक लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की भी। तो कस्टमर को भाई कर दिया ड्रॉप खिड़की एक्सटेंशन में, जो भी बुकिंग लेकर आया था मैं Terminal 3 से
और ये देखो भाई 17.6 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1 घंटा 6 मिनट इसमें लगे हैं और हमें मिले 162 रुपये 17 किलोमीटर और 1 घंटा 6 मिनट के, ठीक है। और कस्टमर का बिल था 432 रुपये 432 रुपये में से 162 रुपये इसने हमें दिए हैं। तो हमारी गाड़ी चल चुकी है 199 किलोमीटर और सीएनजी का एक सेल अभी चल रहा है, अभी चल जाएगी लगभग 30 किलोमीटर के करीब, लेकिन हम पहले ही आप सीएनजी डलवा लेते हैं, उसके बाद ही ड्यूटी ऑन करेंगे। पहले सीएनजी डलवा लेते हैं उसके बाद करते हैं ड्यूटी ऑन। तो मेरे पास बुकिंग आई है पांडव नगर की और ये है मोहम्मदपुर रामा कृष्णापुरम आर के पुरम मोहम्मदपुर एक गांव है उसमें से बुकिंग आई है। भाई गूगल मैप के चक्करों में अगर आओगे तो फंस जाओगे, गूगल मैप इतनी पतली गली को दिखा रहा है भाई कि यहाँ से निकल जाओ, बिल्कुल ग्रीन है। अब वहाँ जाके देखा तो वहाँ बाइक भी मुश्किल से जा रही है, दो बाइक भी आपस में पास नहीं हो रही। तो भाई कस्टमर को कॉल मिलाया यहाँ खड़ा हूँ, तो कस्टमर कह रहा भैया वहीं खड़े रहो मैं आ रहा हूँ। तो अगर आप गूगल मैप से चल रहे हो ना तो गूगल मैप को भाई बिल्कुल सीरियस मत ना लेना कि हाँ ये अच्छा रास्ता सही रास्ता दिखा रहा होगा। एक हद तक ठीक है गूगल मैप, लेकिन इसके साथ साथ अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना ज़रूरी है। तो कस्टमर को कर दिया है पांडव नगर में ड्रॉप और कस्टमर का बिल बना था 285 रुपया और हमें मिले हैं 213 रुपये। और टाइम की बात करें, टाइम हो चुका है 6:19 और अभी तक हमने टोटल बुकिंग करी है 9 बुकिंग करी है ओला में, ऊबर में आज कोई बुकिंग नहीं है। तो देखते हैं भाई, वेट करते हैं यहाँ पे कहाँ की मिलती है आज बुकिंग, मैं क्योंकि वहाँ पे तो वेट कर नहीं सकते अक्षरधाम के आसपास। तो इधर ये खेलगांव है, यहाँ पे एक सड़क है पूरी खाली पड़ी रहती है, वहाँ ना तो कोई चालान काटने वाला था ना कोई गाड़ी उठाने वाला था, आप आराम से लगा के वहाँ पे आराम भी कर सकते हो, टेंशन फ्री होके खड़े हो जाओ वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी वहीं खड़ा होऊंगा जाके, और वहाँ से अक्षरधाम की बुकिंग, अक्षरधाम से जो पिकअप होता है एकदम मिलता है वहाँ से, क्योंकि जो दूरी होती है ना पिकअप दूरी वो 2-3 या 4 मिनट दिखाता, तो 3-4 मिनट की दूरी एकदम पहले हमें मिलती है बुकिंग। तो टाइम हो चुका है 7:09 और अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है, ना ओला में आई है ना ऊबर में आई है, ऊबर भी ऑन कर रखी थी, यहाँ पर खड़े खड़े काफ़ी देर होगी, और भी गाड़ी खड़ी थी किसी के पास बुकिंग आई नहीं थी भाई। तो अब मैं जा रहा हूँ अक्षरधाम की तरफ को, एक बार यू टर्न लेके आऊँगा, अगर मतलब आराम आराम से जा रहा हूँ, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना वहाँ पर रुकने का तो कोई है नहीं ऐसा सीन, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर चालान कर देते हैं। तो देखते हैं भाई मिलती है बुकिंग या नहीं मिलती है अक्षरधाम के पास जाके। तो भैया कस्टमर को कर दिया छलेरा गांव में ड्रॉप, ये छोटी छोटी गलियां थी यहाँ पे, अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो बचेनी गाड़ी पूरी बैग जाएगी 1 किलोमीटर तक कम से कम। देखो कैसी गलियां हैं यार, बस क्या बताऊं, मजबूरी थी लानी क्योंकि कस्टमर का बेचारे का थोड़ा पैर में दिक्कत थी, तो मगर यार मना भी नहीं कर सकते ऐसे कस्टमर को कि मैं नहीं जा रहा अंदर, तो छोड़ के आना पड़ा भाई अंदर, अब जा रहा हूँ बाहर की तरफ। देखो अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए ना तो यहाँ बचाने के लिए बहुत दूर तक बैग ले जानी पड़ेगी गाड़ी। चलो हमें तो है आइडिया ड्राइविंग का कि कैसे बैग ले जानी कैसे नहीं ले जानी, लेकिन बहुत से भैया नए नए आते हैं ना तो वो भैया यहाँ पे फंस जाते हैं ऐसे, उसमें पूरा जाम ही कर देते हैं वो गली को भी। देखो ये बाइक बचने की भी जगह नहीं है, बाइक वाला भी बेचारा पीछे ले जा रहा। तो अब नेक्स्ट बुकिंग आ चुकी है हमारे पास, ये बुकिंग जो आई थी जो अभी ड्रॉप करी है, ये मैं अक्षरधाम से लेके आया था सेक्टर 43 और ये छलेरा गांव है इसमें छोड़ा था, और अभी अभी एक बुकिंग है मतलब बीच में आ गई थी बुकिंग, वो थी बुकिंग भाई राजेंद्र नगर शालीमार गार्डन गाजियाबाद,
और पिकअप लोकेशन है, किधर जाना पड़ेगा भाई? भैया बाहर जाना है, इधर से बाहर भैया, चाचा भैया भाई बाहर पैसे रखे हुए थे। अरे यार देखो वो आगे गाड़ी आगे से, बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लो पीछे लगा रखे आग, इधर आना, इधर ये देखा दोस्तों, तो कस्टमर को कर दिया शालीमार गार्डन ड्रॉप, और कस्टमर का बिल था ऑनलाइन, ठीक है, हमें मिले हैं 291 रुपीज। और हमारी गाड़ी चली है 22 किलोमीटर और टाइम लगाया पूरा 1 घंटा। तो अभी अभी एक बुकिंग आई है मेरे पास सेक्टर 62 की, राजबाग मेट्रो स्टेशन से, तो पहुंचने में दिखा रहा है भैया 7 मिनट। तो कस्टमर को कर दिया है खोड़ा कॉलोनी के बाहर ड्रॉप। कस्टमर कह रहा था भैया अंदर जाना है गलियों में, मैं कहा भैया अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर ही ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ से 10 रुपये का ऑटो पकड़ो या रिक्शा पकड़ो उसमें चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर गाड़ी जाने की जगह है नहीं पहली बात तो, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ कौन बैक करता फिरेगा। तो कस्टमर को बाहर छोड़ा, कस्टमर का बिल बना 252 रुपये और हमें मिले हैं 218 रुपये, ठीक है। और टाइम की बात करें भाई, टाइम हो चुका है 9:47, 9:47, और अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हाईवे के पास एक CNG पंप है, इस CNG पंप पे CNG डलाने, और CNG फुल कराने के बाद आपको बताऊंगा कितने की CNG आई है, और इससे पहले भी एक बार CNG डलवाई है मैंने, तो दोनों की CNG है, और फिर हिसाब बताता हूँ आपको क्या कमाई हुई आज और क्या खर्चा हुआ। तो भैया इस टाइम आ चुका हूँ मैं इंदिरापुरम, और आपने देखा कितने रुपए की गैस आई है हमारी, 454 रुपए की अब गैस आई है, और 394 रुपए की दोपहर आई थी जो आर के परम में मैंने डलवाई थी, तो टोटल हमारी 848 रुपए की आ चुकी है गैस। हो जा भाई फोकस, ठीक है। और अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, अर्निंग कितने रुपए की हो पाई है, ये देखो भाई अर्निंग, हो जा यार फोकस, 3209 रुपये की, और 12 बुकिंग करी आज टोटल, ठीक है। ये रहा भाई टाइम भी देख लो कितना टाइम हो रहा, अगर ये फोकस यार कर नहीं रहा है, ठीक है। 9:57 मतलब पूरे 10 बजने वाले हैं, और 8:30 बजे करीब मैं निकला था। तो भैया 3209 माइनस 848 रुपये की CNG टोटल हुए 2361 रुपये, ठीक है। 2361 रुपये का आज का हमारा काम बैठा, बचत बैठी सिर्फ CNG का खर्चा काट के। अब इसमें से अपना भी खर्चा काट लो भाई, 160 रुपये ऊपर के काट लो कि हमने खा पी लिए, क्योंकि भाई 50 रुपये दोपहर खा लिए थे, अब 50 रुपये का हो जाएगा 100, और 10-20 रुपये अपना वैसे भी उठ जाते हैं, तो 160 रुपये अपना खर्चा मान लिया मैंने, तो 2200 रुपये की आज अर्निंग हो पाई है 13.5-14 घंटे के अंदर, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, जो भी करना है भाई कर दो, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सके, अच्छा रेस्पॉन्स दिखाओ वीडियो पे। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, ठीक है।